नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है शारदा क्लासेज में। मैं अशोक प्रजापत, जितने भी जो पशुधन सहायक भाई है, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, जो भी ये डिप्लोमा क्लियर हो चुका है, अब जो है वो कोचिंग करने की सोच रहे कि सर कोचिंग करना है जो है, क्योंकि कोचिंग करना विज्ञप्ति आने वाली है, कब तक सर आ जाएगी, ये बहुत सारे क्वेश्चन है। चुनावी लास्ट चुनावी साल है, तो क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं होगा, आचार संहिता भी लगेगी, ठीक है। तो सर आचार संहिता लगने के बाद में क्या एग्जाम हो जाएगा क्या, ठीक है, और कब तक इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी, जैसे कि अभी कोई अपडेट नहीं है। बहुत से मतलब सोशल मीडिया पे अगर आप सर्च करोगे LIC विज्ञप्ति, तो भैया इतने सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और किसी एक के बारे में अगर हम सोचकर चले तो वो भी गलत है, ठीक है। लेकिन इतने आप प्रिपेयर हो कि एग्जाम विज्ञप्ति जब भी आए उससे पहले, ठीक है, आपका सिलेबस तैयार होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि अगर एग्जाम जो है वो 2024 में होता है, ठीक है, 2024 में जून जुलाई अगस्त में होता है, लेकिन अभी से अगर आप इतना जो है कर लेते हो कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन बात यहाँ पर उन स्टूडेंट की आती है जिन्होंने फील्ड शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे बहुत से भाई ऐसे भी है जिन्होंने, हाँ, जो मेरे साथ वाले भी है, जैसे कि मेरा जैसे कॉलेज हो, तो बहुत से साथी क्या होते हैं वहां पे, मतलब कोई कहीं पे, कोई किसी डॉक्टर के साथ में, कोई किसी पॉलीक्लिनिक में, ऐसे वैसे वो अपना जो है काम, और कई तो ऐसे जिन्होंने फील्ड भी शुरू कर दिया, ठीक है। और फील्ड में मान लो कि जिनके 10-15 केस वो अटेंड कर रहे हैं, ऐसे में उस सर्कल से बाहर निकलना तो इतना मुश्किल हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि फील्ड जब होती है, जब केस आते हैं, तो माइंड में पढ़ाई तो आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो साथी कंटिन्यू है अभी, ठीक है, कॉलेज करने के बाद में, या फिर जो चाहता है कि मैं एक बार जो है गवर्नमेंट फाइट करूं, उसके बाद में अगर गवर्नमेंट लग जाऊं तो मैं प्रैक्टिस कर सकूंगा, ठीक है, तो उन साथी जो है वो करेगा, ठीक है। विज्ञप्ति देखिए आएगी तब आएगी, ठीक है, ये तो है नहीं। अगर देखिए कोई बोलता है कि विज्ञप्ति आने वाली है, कोई बोलता है 2 महीने लेट आएगी, कोई बोलेगा 2024 में आएगी, ठीक है। अपडेट अभी किसी के पास में नहीं है, पद क्या हो रहे हैं, सृजित हो रहे हैं इतने पदों को, अभी जो समथिंग 22 अप्रैल को जो आया था, मतलब एक नोटिफिकेशन पेपर कट आपने देखा होगा, उसमें लिखा था 900 पद तो आपके पशुधन सहायक के, और 900 ही पद थे उसमें जलधारी के, ठीक है, और जलधारी के तो पहले भी पद जो है स्वीकृत थे, तो जलधारी के तो मेरे हिसाब से 6000 समथिंग पोस्ट होगी, लेकिन पशुधन सहायक का भी अभी कोई फाइनल नहीं है कितनी पोस्ट है। ऐसे में जो मतलब अब जो कहीं भी ऐसे जो है आपको बोलते हैं कि हाँ आने वाली है, आने वाली, तो ये भी अपने आप में अच्छा ही है कि अगर आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। लेकिन जो फील्ड वाले भाई है वो कहते हैं कि जब हमारे एकदम नजदीक में होंगे कि हाँ फॉर्म फिल किया, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, तो ऐसे भी कहीं है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप जो है एग्जाम से जब आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म जब आपके अप्लाई होंगे, विज्ञप्ति आएगी, तब आपको पता चल जाएगा कि मेरा एग्जाम कब है, ठीक है। तो होता क्या है कि उससे पहले पहले देखिए आपने सही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ा या नहीं पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वेटनरी के कॉलेज में कोई रेगुलर जाता है नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कई ऐसे होते हैं जो पढ़ते भी है, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सिलेबस भी उनका कवर होगा, लेकिन अधिकतर जो साथी है ना उनका नहीं होगा, इसलिए वो क्या करते हैं, या तो कोई ऑनलाइन कोर्स, हाँ ऑनलाइन कोर्स के बारे में काफी कमेंट आ रहे हैं सर किस संस्थान से लें, ठीक है, कहाँ से ऑनलाइन कोर्स लेना अच्छा रहेगा, ठीक है, और सर इतनी तो बहुत बहुत इनकी फीस भी है, कई ऐसे संस्थान है जिनकी सर बहुत ज्यादा फीस है। तो देखिए आप सभी जो है खुद भी सोच सकते हो, और मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार के संस्थान का यहाँ पर कोई प्रचार वचार नहीं कर रहा हूँ कि आपको मैं सजेस्ट करूँ कि भैया आप उसका लो, क्यों, क्योंकि आप खुद प्रिपेयर हो हर चीज को समझने में, ठीक है, आप खुद भी समझ सकते हो कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है जिसमें सिलेक्शन हो, और जो स्टूडेंट जो पहले जिन्होंने सिलेक्शन लिया जैसे कि 2022 में 18 में, ठीक है, तो उनसे अगर आप पूछते हैं, ठीक है, तो हाँ उनसे अगर जो हमें फीडबैक मिलता है उसी के आधार पर उसके बाद में अपनी राय भी रखूँ कि हाँ मेरे लिए ये अच्छा रहेगा, ठीक है, ये सारी चीजें तय करने के बाद में आप खुद को लगेगा हाँ कि ये कोचिंग मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है।
थोड़ा सा जो है आपको नॉइस का प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि माइक जो है मेरे पास में अवेलेबल है नहीं, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स की सहायता से पूछ सकते हो, 24 आवर्स तो नहीं लेकिन 10 घंटे 12 घंटे जब भी आपको कोई कमेंट आएगा तो उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो अगर आप काफ़ी चीज़ें जानने को लगे तो इसको लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।